मीरा काकी जी, एहन जी, आप लोगों ने मीरा को कहीं देखा है क्या? बेटा वो तो अपने कमरे में होगी, सो रही होगी। नहीं काकी जी, वो ना ही अपने कमरे में है और मैंने तो घर में हर जगह देख ली, वो कहीं पर भी नहीं है। क्या? मीरू घर से गायब है? परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जिसे दूसरों को परेशान करने का शौक हो वो स्वयं कभी परेशान नहीं होते। और वैसे हमें परेशान करने का अब एक नया अध्याय शुरू हो गया है उसका। मॉम प्लीज, नहीं मीरा कहाँ चली गई? धर्म सूर्यवंशी, वो सामने वाले लॉकअप में। पंखिड़ा तू उड़ी जाजे पावागढ़ रे, माड़ी ने के जे के मारे गरबे घूमे रे। मीरा, मीरा मीरा, मीरा तुम कहाँ हो? मीरा मैं जानता हूँ तुम यही कहीं हो, मेरे सामने आओ। मीरा, मेरे दिल में सनम तेरी ही धड़कन है। इस घर की बहू होने के नाते 9 लाख का हार पहनने का हक है इसका। तेरी ही सरगम है, काबिल हूँ मैं कहाँ कि तुझसा मैं बन सकूँ। तेरे एहसान है दिल पर, मैं क्या कहूँ।
मीरा क्या हो रहा है मुझे? अम्मे माँ जी ने मेरे साथ इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी मैं यहाँ आई हूँ और उन्हें इस हालत में नहीं देख पा रही। क्यों? मीरा का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अभी अभी तो कितनी मुश्किल से मीरा ने खुद को संभाला है। एक आना जी, प्लीज मेरी बेटी की रक्षा कीजिएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोकिला का बर्ताव भी अजीब सा हो गया है और हमारी मीरा अब वो अचानक गायब हो गई है। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए आप ऐसा करिए, मीरा का फोन एक बार फिर से ट्राई कीजिए। मीरा बेटा, मीरा कहाँ गई थी तुम? हम सब कितने परेशान हो रहे थे पता है, और अहम जी तो इतने परेशान हो गए कि वो तुझे ढूंढने के लिए बाहर चले गए। बेटा तुम्हें कहीं जाना था तो हमें बता देती, हमें से कोई तुम्हारे साथ चला जाता। सारे सवाल बाद में पूछ लेना, इसे अंदर तो आने दो। एक मिनट, डैड को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं वापस आ गई। हाँ मैं अभी बोल देती हूँ, चला जा। हेलो हेलो अहमजीत, मीरा घर वापस आ गई, आप आ जाइए। आप बोल मीरा, क्या बात है? मीरा बेटा कोई जरूरी काम था क्या? I'm sorry माँ, आप लोगों को तो यही लगता होगा ना कि इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ, फिर भी आप लोगों को परेशान करने की आदत मेरी गई नहीं। नहीं मीरा, आप ऐसी बातें नहीं करते हैं। हमेशा आप लोगों ने मेरी केयर की और मैं कितनी पागल हूँ, कभी भी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, हमेशा हमेशा आप लोगों को हर्ट दिया। I'm sorry। दिकरा तो हमारी बच्ची है, लाडली है तू हमारी, हमारे परिवार की जान थी, है और हमेशा रहेगी। ये क्या, सब कुछ ठीक है ना? बोल ना, अभी तो बता दे कहाँ गई थी। बोल दिकरा। वो मैं धर्म जी से मिलने गई थी। पर क्यों, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वहां जाने की क्या जरूरत थी तुझे? पता नहीं माँ, मुझे लगा मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए, इसलिए मैं उनसे मिलने चली गई। वैसे भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इतना हर्ट कर चुकी हूँ मैं, इसलिए इस बार झूठ बोल के या कुछ छुपा के मुझे आप लोगों को और हर्ट नहीं करना था। I'm sorry माँ। कोई बात नहीं, तो क्या धर्म ने कुछ कहा? नहीं, मैंने उनसे बात ही नहीं की। खैर रात बहुत हो गई है, तुम जाओ और जाकर आराम करो, कल हमें कोर्ट जाना है, याद है ना? इसलिए जाओ और जाकर सो जाओ। हाँ मीरा, और तुम्हें टेंशन लेने की या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं,
पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। हाँ मीरा। जो दादी ने कहा है वो सच हुआ तो कहीं उन्होंने सच में कुछ नहीं किया होगा तो? मीरा, ऐसा शायद मुमकिन होता अगर वैसा होते हुए किसी ने नहीं देखा होता। मैं खुद वहां थी, इसलिए तुम ये सब कुछ सोचना बंद कर दो। तुम जाओ और जाकर आराम करो, सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़ दो। चलो जाओ। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो मीरा। भले देर से ही सही, लेकिन तुम्हें सच्चाई का आभास हुआ ये जानकर मुझे अच्छा लगा। अब भी समय है, देर नहीं हुई है। झूठ का पल्लू पकड़कर चलने की बजाय सच्चाई का दामन थाम लो। मान लो कि गलती किसकी है। माँ जी, मुझे बार बार आपके खिलाफ जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूं कि इस मामले में हम दोनों की सोच अलग है और इसलिए मैं आपको साथ देने के लिए जबरदस्ती भी नहीं कर रही। इस वक्त मीरा अंदर से कितनी टूट चुकी है कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पर आपसे विनती है माँ जी कि आप भी मीरा पर दबाव मत बनाइए। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं मीरा पर दबाव डाल रही हूँ? दबाव तुम डाल रही हो। क्यों जबरदस्ती तुम अपनी बेटी पर अपनी सोच और अपने विचार डालने का प्रयास कर रही हो? इसलिए मीरा का गुमराह होना स्वाभाविक है और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं इस पर दबाव डाल रही हूं? गलत हो तुम मॉम। आपको हो क्या क्या? आप क्या साबित करना चाहती हैं? यही कि हम सब गलत, आप बिल्कुल सही हैं। अहम विक्रम, अहम जी शांत हो जाए प्लीज। अब मीरा तुम्हें ऊपर जाके आराम करना चाहिए। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।